संघ के अंधविरोधी मुस्लिमों को दो प्रकार से भ्रमित करते हैं। संघ के विरोध में उनका पहला प्रोपेगेंडा होता है कि संघ मुस्लिम विरोधी है और मुसलमान देश के लिए चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, संघ उन्हें कभी सम्मान नहीं देगा। किंतु जब उन्हें दिखता है कि संघ राष्ट्रीय विचारों के मुस्लिमों का सम्मान कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है, तो यही संघ विरोधी मानसिकता के लोग शुरू कर देते हैं एक नया प्रोपेगेंडा कि संघ मुस्लिमों को लुभाने के लिए यह सब कर रहा है। यह संघ का कोई छलावा है, कोई नई चाल है। जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक संघ न केवल राष्ट्रीय विचार वाले मुस्लिमों का सम्मान करता आ रहा है, बल्कि वे संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रातः वंदनीय भी हैं। प्रतिदिन प्रत्येक स्वयंसेवक अपने दिन का आरंभ एकात्मता स्तोत्र से करता है और पूरी श्रद्धा के साथ प्रस्थान का नाम लेता है। एकात्मता स्तोत्र के 20वें श्लोक में अन्य महापुरुषों के साथ रसखान का नाम पूरे श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है और हम सब जानते हैं कि ये मुसलमान थे। संघ के चौथे सरसंचालक राजेंद्र सिंह, जिन्हें सब लोग रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, रज्जू भैया केवल इस झूठ का खंडन नहीं करते कि संघ में मुस्लिमों का कोई सम्मान नहीं है, बल्कि वे इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि मदरसों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उस पर कभी कोई बात नहीं करता। हम लोग चार को तो अपनी इसमें भी गिनते हैं, रहीम थे या रसखान थे या जायसी थी, पढ़ाई के लिए भी रखें, परंतु जब तक कि उनका वो एटीट्यूड आता तब तक ही अंग्रेजों की और कांग्रेस की इस लड़ाई ने उसको बिगाड़ दिया, अन्यथा शायद जैसा कि उस काल में आने लगा था, भक्तों में आने लगा था, इस काल में अगर कांग्रेस ने जिस ढंग से डील किया वैसे न डील करती तो अशफाकुल्ला जैसे 4-6-10 लोग पैदा होते। कि जिस अशफाकुल्ला ने कहा कि भाई हमें तो इस जमीन से प्रेम है, कोई आरजू नहीं है, अगर आरजू तो इतनी कोई रख दे जरासी, खाके वतन कफन है। रज्जू भैया की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे प्रत्येक विषय पर एक ईमानदार राय रखते थे और पूरी दृढ़ता और साक्ष्यों के साथ अपनी बात सामने रखते थे। उनकी दृष्टि, उनकी सोच और उनके विचार हमेशा तर्क संगत रहे। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, उन्होंने मदरसे की कैरिकुलम का स्टडी किया है, उसमें उनको बायोग्राफीज पढ़ाते हैं। तो बायोग्राफीज में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 100 बायोग्राफीज 5 साल में मदरसे में पढ़ाते हैं, उसमें केवल 4 बायोग्राफीज हिंदुस्तान और उनमें किसकी है, मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, हारून रशीद, सुलेमान, उमर, हजरत अली, सब जिन देशों से उनको विचारों को कुछ मतलब ही नहीं है, और उनको विवेकानंद नहीं मालूम, उनको रामकृष्ण नहीं मालूम, उनको बंकिम चंद्र नहीं मालूम, तो इसलिए इस देश की उनकी एजुकेशनल पैटर्न पर भी कोई खर्चा नहीं करती उनकी संस्थाएं बाहर से पैसा लेकर, और सब मस्जिदों की रिपेयर सब मस्जिदों को अच्छा बनाने में करती हैं। उनका खर्चा अगर वो हो तो बहुत मुस्लिम का अपलिफ्ट हो। संघ विरोधी एक और झूठ फैलाते हैं कि संघ महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का संगठन है। रज्जू भैया का नाम यही संघ विरोधियों पर भारी पड़ता है। रज्जू भैया न तो महाराष्ट्र से आते हैं और न ही ब्राह्मण हैं। रज्जू भैया कैसे संघ से जुड़े और फिर कैसे विश्व के सबसे बड़े समाज सेवी संगठन के सिरमौर बने, यह जानने से पहले जानते हैं उनके बचपन और युवा अवस्था के बारे में। रज्जू भैया के पिता कुंवर बलबीर सिंह
उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य अभियंता थे। प्रदेश के पहले मुख्य अभियंता रज्जू भैया की प्रारंभिक शिक्षा बुलंदशहर में उनके पैतृक गांव में ही हुई और उसके बाद वे पिता के साथ नैनीताल चले गए। नैनीताल से 12वीं की परीक्षा पास की और रज्जू भैया पहुँचे प्रयागराज। आगे की पढ़ाई के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और भौतिकी में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर यहीं 1943 में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। रज्जू भैया बड़े ही मेधावी थे और उनकी इस मेधा से नोबल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन भी बड़े प्रभावित हुए। जब वे रज्जू भैया की एमएससी में मौखिक परीक्षा लेने आए तो उन्होंने रज्जू भैया को अपने साथ बंगलुरु आने का प्रस्ताव दिया, किंतु रज्जू भैया तो तब तक कुछ और ही निर्णय ले चुके थे। जब रज्जू भैया एमएससी के अंतिम वर्ष में थे तब उनके जीवन में आया एक टर्निंग पॉइंट। प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए रज्जू भैया संघ की प्रभात शाखा में जाने लगे। वे प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग करने काशी पहुँचे। यहाँ उन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंचालक श्री गुरुजी का बौद्धिक सुना। यह बौद्धिक ही था वह टर्निंग पॉइंट। इसके बाद उन्हें अपने जीवन का न केवल लक्ष्य मिल गया बल्कि उनके जीवन की धारा ही बदल गई। प्राध्यापक रहते हुए रज्जू भैया संघ के कार्यों में जुट गए और पूरे प्रदेश का प्रवास करने लगे। साथ ही अपने माता पिता से कह दिया कि वे विवाह नहीं करेंगे और फिर 1966 में उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बन गए पूर्णकालिक प्रचारक। आपातकाल के समय रज्जू भैया ने भूमिगत रहकर संघर्ष चलाया। तब उन्होंने अपना नाम रखा गौरव कुमार। गौरव कुमार बनकर देश भर में घूम घूम कर स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करते रहे, ऊर्जा देते रहे। संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस जी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचान लिया और साथ ही पहचाना उनके भीतर छिपे कुशल प्रशासक और संगठन कर्ता को। 1977 में उन्हें सह सरकार्यवाह का दायित्व दिया गया और मात्र एक वर्ष बाद ही बना दिया गया सरकार्यवाह। पूजनीय देवरस जी ने अपने सामने ही उन्हें संघ के शीर्ष पद पर स्थापित कर दिया और रज्जू भैया 1994 से 2000 तक संघ के सरसंघचालक रहे।